खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य खबरों। भोपाल विधानसभा चुनाव से पहले प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारी सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अजीत सिंह ने बताया कि 6 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार प्राइवेट स्कूल संचालक संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, जिससे स्कूल संचालक को खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूलों को हर साल मान्यता लेना पड़ता है, इसमें कक्षा 1 से 12 तक स्थायी मान्यता दी। उन्होंने कहा कि अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा के अंतर्गत संस्थाओं को अन्य राज्यों की अपेक्षा कम फीस प्रतिपूर्ति की जाती है, ऐसे में अन्य राज्यों के बराबर और सत्र समाप्ति तक इसका भुगतान किया जाए और प्राइवेट स्कूलों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं कर्मचारियों और उनके परिजनों को शासन द्वारा निःशुल्क 10 लाख का आयुष्मान बीमा का लाभ दिया जाए। ऐसी प्रमुख मांगे हैं कि जिन पर सरकार जल्दी गंभीरता नहीं दिखाएगी तो प्राइवेट स्कूल संचालक जल्दी अगली रणनीति बनाएंगे और जरूरत पड़ी तो मांगे पूरी नहीं तो मतदान नहीं की योजना बनाई जाएगी। सर, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने बैठक की, आगे की रणनीति तय की, क्या पूरी आगे की रणनीति है, क्या कुछ नाराजगी, क्या सरकार से मांग? हम रणनीति ये बनाए हैं आगे की कि सरकार अगर हमारा ध्यान नहीं दी तो इस बार हम लोग भी कहीं कहीं सरकार के साथ काम करते थे, इस बार हम लोग भी पूरे प्रदेश के संचालक लामबंद होकर के तटस्थ हैं, बिल्कुल हम सरकार के साथ काम नहीं करेंगे। हम बार बार इस सरकार से मांग करते आए कि हमारे स्कूलों को स्थायी मान्यता दे दी जाए, मान्यता संबद्धता और रजिस्टर्ड किरानामा के नाम पर जो राशि वसूली जाती है वो समाप्त की जाए। निःशुल्क शिक्षा में FDR और मान्यता शुल्क लेना ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। हम ये चाहते थे कि जो RTE के बच्चे उनके बच्चे को हम पढ़ाते हैं उसमें 5,000 रुपये मिलता है एक साल का। हमें चाहते हैं कि दूसरे स्टेट के बराबर हमें राशि मिले और समय से मिले। हम सरकार से ये मांग रख चुके हैं कि हमारे यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षकों को 10-10 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दिया जाए। सरकार हमारे तरफ ध्यान नहीं दी, क्योंकि हम प्रदेश के आधे बच्चों को पढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं हम प्रदेश का आधा बजट भी बचाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर सरकार ध्यान नहीं दे रही है तो हमें कहीं ना कहीं मजबूर होकर के कदम उठाना पड़ रहा है। आगे क्या रहेगा आपका, अगर जैसा आपने कहा सरकार के साथ काम नहीं करेंगे? हम तटस्थ की भूमिका में रहेंगे, हम बिल्कुल हम सरकार के साथ काम नहीं करेंगे। हम पूरे संचालक बस एक सप्ताह के अंदर अपनी एक पूरे प्रदेश की बैठक करके हम निर्णय ले लेंगे हमें करना क्या है, अगला कदम हमारा क्या होगा। हम एक सप्ताह में डिक्लेयर कर देंगे हम मतदान नहीं करेंगे, हम सरकार के साथ नहीं रहेंगे, जो भी करना होगा हम लोग तय कर लेंगे। RTE के बच्चों को भी नहीं लेंगे? नहीं, पढ़ाई से हमारा 100% का नाता है, उसको हम नहीं ख़त्म करेंगे। हम पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, RTE के बच्चों को 100 बार पढ़ाएंगे। पढ़ाई में कोई व्यवधान नहीं आने चाहिए, क्योंकि हम लोग जो काम करते हैं पढ़ाई का तो उस काम को पवित्र काम हम करते रहेंगे। लेकिन हम सरकार से ये मांग तो एक कर रहे थे कि जो बगल के स्टेट में आपके मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़ बना है, झारखंड बना है, तो इसके बराबर तो हमारे बच्चों को फीस प्रतिपूर्ति की जाए जो आप बच्चे भेजें। मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर मतदान नहीं करेंगे? नहीं, यानी अभी हम लोग तय नहीं किए, अभी तो हम सरकार को आगाह करने के लिए आपका माध्यम लिए हैं कि सरकार जाग जाए। और हमारी कई मांगे तो जो कि कोई आर्थिक उसमें बोझ नहीं सरकार के ऊपर, सरकार एक तरफ 3,000-3,000 रुपये लाडली बहना दे रही है और इस शिक्षा के तरफ ध्यान नहीं दे रहे कि हम स्थायी मान्यता ही दे दें, कहानी खत्म हो जाए, उसमें सरकार कुछ नहीं लगना है। तो कहीं शिक्षा के तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए, अगर नहीं दे रही है तो दिलाने के लिए हम हर कदम उठाने को तैयार है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।